अय्या सीधे से बैठ जाती हूँ नी। ओह नो, मैंने कटर तो लिया नहीं। एक सेकंड, मैं कटर ले लेती हूँ। कटर कटर कटर, वेयर इज माय कटर? ओह माय क्यूटी पाई, दिस इज माय क्यूटी पाई। सो हेलो एवरीवन, कपड़े वपड़े ठीक कर लूँ? आवाज़ आ रही है? और ना, मैंने चेक ही नहीं किया, पुरानी वीडियो बनी नहीं मैंने, वो तो मैंने चेक ही नहीं की। यार मैं ना, मेरे मुंह पे ना बाल आ जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है। एक पेन ले लेती हूँ, थोड़े से बाल को पीछे कर लेती हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है, इतना सा ठीक है। सो आवाज़ आ रही है? हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पंजिला आर्ट्स। तो पंजिला आर्ट्स में क्या कर रहा है? आई हैव अ वेरी क्यूट बेबी। व्हाट इज़ दैट? इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम तो पंजिला पे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले? टी 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 टी, आ जा जा जा, तू भी जा। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आवाज़ आ रही है? अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो मेरा कुछ स्टेशनरी का सामान था जो 2-3 दिन से आया हुआ है, ये मैंने ऑर्डर किया था। देख लो, मेरी बुद्धा की फ़ोटो देखी पीछे? ये नीचे क्यों लगाई है? ऊपर भी है, ऊपर की रेंज पहुँच नहीं रही है कैमरा पर। तो ये सब है मेरा सामान पड़ा हुआ, और ये भी है, मैं छुप रही हूँ इसके पीछे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इनको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। ओए, सो अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें बहुत प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट नहीं है मतलब स्टेशनरी का सामान है। तो स्टेशनरी का सामान है, तो स्टेशनरी का सामान है तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला पैकेट खोलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा वाला पैकेट है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो खोलते हैं सबसे छोटा वाला पैकेट। इसको खोलने से क्या करना पड़ेगा? कागज़ ही है, इसमें क्या पड़ा हुआ? अब आप सोच रहे होंगे ना, इसको खोल के ना आप सोचोगे कि इसको इसकी क्या ज़रूरत थी। मोटर लगा दी मैंने, मुझे नहीं पता। अच्छा, आज ये नया वाला बोआ का माइक यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं इसकी साउंड प्रूफिंग कितनी अच्छी है। आसपास का शोर, और बारिश आ रही है साइड पे, हमें खिड़की से दिखा नहीं सकते। इसके अंदर है एक सीज़र, मुझे सीज़र चाहिए थी, पता नहीं ये कैसी हुई है। इसको एक टेस्ट बाद में करते हैं, पहले सीज़र देख लेते हैं। सीज़र मेपल्ड की सीज़र है ये, बारिश आ रही है। आवाज़ देखिए कितनी अच्छी है, मेरा मन कर रहा है आपको बारिश दिखाने को। दिखाऊं क्या? देखनी है? चलो पहले बारिश देखते हैं थोड़ी सी। ये मेरा गेट है अंदर का, देखो बारिश हो रही है, मेरी स्कूटी गिल्ली हो गई, कितनी बारिश हो रही है, वहाँ से दिख रही है। अब अनबॉक्सिंग करते करते मैंने आपको बारिश दिखा दी। चलो फिर अंदर चलो। वापस आके रूम में ये सामान, यही अनबॉक्स करना मुझे। ये देखो मेरे बेड का खिलारा, अब मुझे फिर से सेटिंग करनी पड़ेगी। अब पता नहीं मैं दिखूंगी या नहीं यहाँ पर। चलो फिर ट्राई करते, देखते कैसे बने। आज मैंने बैक साइड का कैमरा यूज़ कर रही हूँ, मैं बैक साइड का कैमरा यूज़ कर रही हूँ।
होपफुली मैं आपको दिख रही होंगी। चलो मैं नहीं दिखूंगी, कम से कम ये तो दिख ही जाएगा आपको सामान वगैरह, है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, इसके अंदर खोल के दिखा देती हूँ। इसके अंदर है, ब्रश का सेट, ब्रश 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 ब्रशेज हैं इसमें। अलग अलग टाइप के ब्रश, आठ ब्रश सेट। देखो कैसे, सॉफ्ट ब्रशेज है ये, चौड़ा वाला ब्रशेज है, ब्रश है, ठीक है। ये ज़्यादा चौड़ी बिल्डिंग्स बनानी होती है उसके काम आ जाता है। ये ग्लू निकल जाता है एक टाइम पर, फिर ये ना ये चीज़ सेपरेट हो जाती है इससे। क्वालिटी नॉर्मली है क्योंकि कितने का पड़ेगा ये मुझे, ये 270 के पड़ेगा मेरे को। एक सेकेंड, दरवाज़ा बंद करने जाना मेरे को। हाँ तो हाँ, ये मुझे ना 270 के पड़े हैं। तो कितने ब्रशेज हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ब्रशेज हैं इसमें। 15 का सेट है, 270 280 का है शायद, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। 300 का लगा लो, 300 का है। इसमें फ्रैन ब्रशेज भी हैं, लेकिन ब्रशेज निकले हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, इनकी स्ट्रेंज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, सस्ते वाली क्वालिटी है ये, इतनी वो नहीं है, कोई अच्छा सा कोई ब्रांड वाले ब्रश नहीं है। ऐसा सेट मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अलग अलग एंगल्स वाले ब्रशेज हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करके मैं दिखाऊंगी बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें वापस डाल रहे हैं इसमें, मुझे बड़ा वाला वाइट वाला ब्रश है ना, वाइट मतलब चौड़ा वाला ब्रश है ना, वो अलग है, वो इसके बीच में जगह नहीं है इसकी पैकिंग, ये ऊपर से ही डाला हुआ है। तो ये आपका आ गया ब्रश। सीज़र कहाँ गई, दो खोला मैंने, चार हैं, दो खोल दिए, सीज़र और ब्रशेस। ये दो जो है ना बड़े स्पेशल हैं, ये दोनों काफ़ी स्पेशल हैं। तो पहले मैं ये खोलूँगी, ठीक है ना, ये खोलते हैं पहले। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी चौड़ा सा है ना, चौड़ा 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 सा है ये, और इसको खोलने में बड़ा मज़ा आता है मुझे इसको। इसके लिए तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, खुल जा। ये मैंने मंगवाया, क्या मंगवाया, ये चिपक ही गया इसके साथ। ग्रीन मैट, जब भी मैं कुछ कटिंग वटिंग का सामान करती हूँ ना, या मेरे टेबल पे ना, तो मुझे लगा मेरे टेबल पे इसकी ज़रूरत है, इस मैट की मुझे ज़रूरत लगी थी। ये कटिंग मैट है, इसको यूज़ करके बताऊँगी इसकी ना, इसके ऊपर रख के हम लोग कट कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं। मतलब कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी कटिंग करो ना, इसके ऊपर कट्स नहीं लगता है, दोनों बोथ साइड मैट है। ये रबड़ है, लेकिन निशान तो पड़ रहा है इसके ऊपर भी, लेकिन इसको रख के हम लोग कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ख़राब वो हो सकता है, कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है, लेकिन ये है कि नीचे वाली चीज़ जैसे टेबल ख़राब नहीं हो सकता, नोटबुक ख़राब नहीं होगी आपकी, अगर आपको उसको रख के यहाँ रख के कटिंग करोगे तो।
है ना, लिफाफे से बाहर मैं बाद में निकालती हूँ, लास्ट वाली अनपैकिंग कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या है, ये कलेक्ट करने का मुझे बड़ा शौक है। बताओ मुझे क्या कलेक्ट करने का शौक है, आप ही बता दो मुझे। हाँ बताओ मुझे क्या कलेक्ट करने का शौक है कोई आइडिया? देखने से पहले कमेंट करके बताना मुझे मुझे क्या कलेक्ट करने का शौक है। इतना बड़ा है, A4 साइज का ये। A4 साइज का वाओ। ये मेरी मुझे मुझे ना डायरीज कलेक्ट करने का बड़ा शौक है यार, अलग अलग साइज की डायरी। ये देखो मेरे पास कितनी सारी डायरी है, मेरे पास बहुत सारी डायरीज है और इनके ऊपर मैं यूज़ भी करती हूँ। ऐसा भी नहीं है रखी होती है, ये मेरी स्केच बुक वाली डायरी, प्रीवियस वाली भी देखी होगी, वो भी देखी होगी मेरी पुस्तकों वाली। ये देखो कितनी सारी डायरी है मेरे पास, और भी हैं छोटी सी। ये A6 साइज़ की डायरी, तो तीन साइज़ की डायरी तो आपके पास होगी। ये A6, ये A5 है ना, ये भी A5 है, ये फिनिश है, तो ये तो लिखने वाली हैं। और ये आ गई A4, A6, A5 और A4 स्केच बुक है, ये सारी की सारी। A3 भी है मेरे पास, A3 इससे भी छोटी होती, इससे बड़ी होती है, सबसे बड़ी वाली। ये जिस साइज़ का मैट है ना, उस साइज़ की डायरी है वो, स्केच बुक है वो भी है मेरे पास। A6, A5, A4 और है मेरे पास A स्केच बुक मेरी A6 साइज की। ये देखो इनके ऊपर मैंने बनाई हुई है ड्राइंग्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है इनके ऊपर, इन किसी और टाइप की बताऊंगी। A6, A4, A3, अब उठाई नहीं जा रही, भारी है यार। A3, A4, A कौन सा है, 5, A6, उफ बड़ी हो गई, 4 साइज की स्केच बुक्स है मेरे पास। ये इससे बड़ी होती है क्या, इससे बड़ी नहीं होती, अब इससे बड़ी बिल्कुल, इससे छोटी बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। A6 से छोटी तो बिल्कुल ही A7 वाली, पल यह छोटी हो जाएगी, वो तो मिनी डायरी हो जाएगी, उसको बनाएंगे कभी। मेरी हैंडमेड डायरी याद है आपको, जो मैंने हैंडमेड बनाई थी, ये ब्लैक डायरी, इसके ऊपर मैं वो ड्राइंग्स करती हूँ, देखा होगा आपने। ये देखो जो ब्लैक ड्राइंग्स करती हूँ ना, ये मैंने हैंडमेड बनाई है, ये मैंने हैंडमेड बनाई थी, इनके ऊपर मैं प्यारी प्यारी क्यूट सी ना इजी ड्राइंग्स करती हूँ, टेडी बियर्स एंड ऑल। ये देखो इजी ड्राइंग्स, जिसको मैं लिखती हूँ ना इजी ड्राइंग्स, इजी फन ड्राइंग्स, ये मेरी हैंडमेड ड्राइंग है, ये मेरी हैंडमेड डायरी है। A5 साइज़ की बनाने की कोशिश की थी मैंने, बनाऊँगी और भी बनाऊँगी। तो मैंने अब अपनी अनबॉक्सिंग कर दी है, अनबॉक्सिंग में ये जो मेरी फर्स्ट डायरी मैंने मंगवाई थी ना स्पाइरल वाली, ये भी ब्रुस्टो की थी, ये भी ब्रुस्टो की थी। और ये जो न्यू वाली है ये भी ब्रुस्टो की, ये पूरी पैक्ड है। ये देखो यार रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, अब पता नहीं मेरा एंगल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उल्टा उल्टी साइड में, मैंने सोचा इस बारी ना उल्टी साइड वाले का कैमरा अच्छा होता ना, बैक साइड मतलब बैक साइड वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा होता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करूँगी बैक करूँगी, तो इसलिए। तो ये देखो खोलूँ उसको, ये पैक्ड होती है। अब ये वाली डायरी ना मुझे खोलने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये पूरी पैक्ड रहती है, देखो पूरी पैक्ड है ये, है ना, कितनी है। अच्छा ये लिखा क्या है इस पर, A4 साइज़ है, 110 GSM, मतलब कितनी GSM, कितना ग्राम पर मीटर के हिसाब से ये पेज जो है वो कितना मोटा है, कितना थिक है, कितना वाटर कलर एब्जॉर्ब कर सकता है। और 160 पेजेस है इसके, 160 पेजेस है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना। इस पर आइडल फॉर स्केचिंग ड्राइंग विद कलर पेंसिल के साथ भी हो सकता है, ग्रेफाइट चारकोल और पेस्टल
एंड इंक के साथ भी हो जाएगा ये, इंक ड्राइंग इन सब के साथ, स्टिच्ड बाउंडेड है क्योंकि ये डायरी है तो हैंडमेड स्टिच नहीं होता, ये वैसे ही वाली सिलाई है, इसको की गई एसिड फ्री है और ये अचीवल है। तो मुझे ब्रूसो की डायरी बहुत अच्छी लगती है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, मनोहर की भी अच्छी है, मनोरहा इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, इसकी भी A4 साइज की मुझे मिली थी। और इसका पता क्या है, ये कलरफुल में मिलती है, ब्रूसो वाली ज़्यादातर ब्लैक में देते हैं। तो ये मुझको कितने की पड़ी इस बार, ये मेरे को पड़ी है 400 समथिंग की पड़ी है, 400। ग्रेट इंडियन सेल था ना, फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए मैंने चार चार चीज़ें मंगवा दी। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, मेरे को ये सब सामान चाहिए था तो इसलिए मैंने वेट किया। तो ये टोटल सामान, जैसे कल मैंने माइक बुआ का, ये जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इसको भी अनबॉक्स किया मैंने लेट्स लर्न वाले चैनल पे, लेट्स लर्न विद डीए वाले चैनल पे मैंने वो किया ना, अनबॉक्सिंग की ना, तो माइक की, तो वो भी मेरे को 750 मतलब लगा लो 800 की रेंज में पड़ा था। उसके बाद मैंने और क्या किया था, पैलल पेन कल मैंने यूज़ किया था, पैलल पेन कहाँ गया मेरा, इसमें पड़ा हुआ है। कल मैंने पैलल पेन लेट्स लर्न विद डीए में मैंने बनाया, उसकी अनबॉक्सिंग की हुई है। तो इसकी ये जो बॉक्स है, इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने लेट्स लर्न में ही की थी। तो ये पैलल पेन मंगवाया था, ये भी 800 की रेंज में है, पैलल पेन ये भी 800 की रेंज में है। तो ये मैंने कल इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसके साथ मैंने बहुत कुछ लिखा भी, लेकिन कार्टलेज एक ही दिन में ख़त्म हो गई, इसके लिए इंक मंगवानी पड़ेगी। मज़ा तो बड़ा आता लिखने में इसके साथ, लेकिन इंक ख़त्म हो जाती है। एक कार्टलेज, दो कार्टलेज थी, एक रेड है ऐसी वाली, एक ब्लैक थी, ब्लैक वाली ख़त्म हो गई, तो ये तो ख़त्म हो जाएगी जल्दी, ठीक है। और ये बॉक्स भी मैंने अनबॉक्स किया था, लेट्स लर्न विद डीए वाला चैप्टर है ना, मैंने एंड स्क्रीन के ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, एंड स्क्रीन होती है ना, हाँ, तो वहाँ पे मेरी लेट्स लर्न विद डीए वाला वो है चैनल है ना, उसके ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, जाते जाते प्लीज़, अभी जा नहीं रही, अभी इसको टेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब, ओके, फर्स्ट हो मेरे चैनल पे, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम। और क्या करना है, और लाइक और कमेंट तो पक्का करना, ठीक है ना, ओके ओके ओके। आपके लिए ऐसी बड़ी बढ़िया वीडियोज़, प्यारी प्यारी वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ लाती रहूँगी। लेट्स लर्न पे मेरा केमिस्ट्री का चलता रहता है, तो प्लीज़ अगर केमिस्ट्री के कोई बच्चे हैं आपके पास पढ़ने वाले, तो उनको बोलो ना मेरे सब्सक्राइब करे चैनल्स को, ठीक है ना, 1000 पूरे करो ना, मेरे वॉचिंग आवर मेरे पूरे करो ना प्लीज़, देखो वॉचिंग आवर करने हैं पूरे, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना, हर किसी की वीडियोस देखते रहते हो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस तो ला रही हूँ आपके लिए, तो 4000 वॉचिंग आवर कंप्लीट करा दो मेरे, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इसको खोल देते हैं, और वो जो कमेंट करेगा ना, अच्छे अच्छे कमेंट करेगा, और सही में जो मेरी वीडियोस को देखता है ना, वो कमेंट कर दिया करा करो, सो दैट मैं आपके लिए कभी कोई गिफ्ट लेके आऊँ, क्या पता गिफ्ट के तौर पे मैं आपका स्केच ही बना दूँ, है ना, जैसे अंकल का बनाया था, एक बारी फ्रेंड का भी बनाया था, फ्रेंड मतलब एक मेरे इंस्टाग्राम, इसके साथ रबड़ भी लगा हुआ है, इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर का भी मैंने बनाया था, और मेरे अपने स्टूडेंट्स का स्केच बनाया मैंने, तो आप भी कमेंट कर दिया करा करो, ठीक है, क्या पता आपका स्केच भी बन जाए, ठीक है ना। तो ये रही मेरी ब्रूसो की डायरी, इसको ओपनिंग करती मैंने, और इसके साथ इरेजर भी है बना के, आप इसको रबड़ है, अच्छा ये रबड़ वाला सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, डायरियाँ ना फूल जाती हैं जब आप वाटर कलर करते हो ना, ये फूल जाती हैं, इसको मैं कभी बताऊंगी पूरी डायरी इसमें क्या क्या है, ख़त्म हो गई है, सबसे पहली पिक्चर मैंने बनाई थी अपनी। उसके बाद मैंने बहुत सारा, ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरी फुल है, फिर दूसरी वाली है, ये भी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। 100 days चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर्स, इसमें और उसमें बनाया मैंने, 100 days में चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर्स, इन दोनों में बनाया मैंने। अब ये A4 साइज़ की आ गई है, तो मेरे को बड़ा पड़ रही है, इस टाइम पर जो भी पड़ रही है इसके ऊपर कुछ बनाऊँ, वाह फिर उसके कंपेरिजन में पतले 110 है ना, वो 120 GSM है, ये वाली है ना 120 है, और ये जो थी ना ये वाली, इसके 130 थी, 130 GSM थी, ये 110 है, तभी थोड़ी सी सस्ती थी, सस्ती नहीं है मतलब 450 500 की है, ये 500 की है, पतला पेज है,
मतलब डायरी है A4 साइज की, ठीक है यार, सुंदर है, आई लाइक इट, कलरफुल होती तो और मज़ा आता। मुझे मनोहर की ऑर्डर कर देनी चाहिए थी यार, यार जब मैंने मनोहर की देखी ना, मनोरहा इसकी देखी ना, इस ब्रांड की देखी ना, तो तब मैं लेट हो गई थी, तब तक ये आ गई थी। कोई बात नहीं, कर लेंगे आगे जाके, इसको भी ऑर्डर कर लेंगे। कलरफुल डायरीज, जैसे ये येलो कलर है कितना सुंदर है ना, मंगवाऊंगी मैं कलरफुल डायरी भी मंगवाऊंगी, लैंडस्केप में मंगवाऊंगी, ऐसे ये पोर्ट्रेट में है ना, लैंडस्केप वाली मंगवाऊंगी A4 साइज की, मनोहरा की अच्छी सुंदर सी कलर वाली डायरी। और ये तो मेरी पुरानी है A3 साइज वाली स्केच बुक, ये मैंने लोकल मार्केट से ली है, 120 GSM है ये, मतलब आर्ट बुक A3 साइज है, कितना बड़ा बड़ा साइज है। तो इसी के साथ मेरी अनबॉक्सिंग होती है समाप्त, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, यूज़ करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आज की वीडियो में इतनी समाप्त कर रही हूँ, इतने पे समाप्त कर रही हूँ। यूज़ करके देखो ये सीज़र कैसी थी, इसको खोल के देखूँ क्या, खोलते कैसे हैं, यहाँ सेट किया, बोलना चाहना तुझे नहीं, मैं मेरी जैसे दीवाना तुम पाओगे कहाँ। क्या काटू, प्लास्टिक काटू, प्लास्टिक काटू, शार्प है, मेरी दूसरी सीजर से बेटर है। इसको दिखाते हैं, इसको नीचे की तरफ दिखाते हैं, फिर अच्छे से काटेगी पता चलेगा, नहीं तो मैं कुछ भी काटती रहूँगी यहाँ पे। कार्डबोर्ड काटती है क्या, ठीक है, इतनी बुरी नहीं है यार, मैं बड़ी कंजूस हूँ काटने में, आपके एंटरटेनमेंट के चक्कर में मैं अपना कार्डबोर्ड नहीं काटूँगी, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं क्या करूँ, मैं अपनी चीज़ों को बहुत प्यार करती हूँ, तो इसको मैं वापस पैक कर रही हूँ। तो आज की वीडियो यूज़ मैट को यूज़ करके दिखाऊँ, मैट और क्या मंगवाया था मैंने, सीज़र कहाँ गई, दूसरी चीज़ें कहाँ गई, और क्या मंगवाया था मैंने, डायरी और ब्रश, ठीक है, इसको यूज़ करने वाली वो भी दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, टू बी कंटिन्यू, ठीक है, यूज़ टू बी कंटिन्यू, ठीक है। हम ब्रिस्टो की स्केचबुक के ऊपर उन्हीं ब्रशेस से एक अच्छी सी पेंटिंग बनाएंगे, सीजर से कुछ काटेंगे और मैट का इस्तेमाल तो हो ही जाएगा साथ में, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी रखते हैं वाली वीडियो, ठीक है, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो इतनी रखेंगे। तो क्या बोलना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब शेयर तो करोगे नहीं, एक काम करें सब्सक्राइब ही कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, है कौन सा वाला पार्ट, कौन सी मेरी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, एंड और क्या करना, और मुझे मिस करते रहो, है ना, नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी कुछ लेके। मेरी माता रानी वाली को भी देखी, प्लीज़ देखना मेरी पेंटिंग्स वाली सारी वीडियोज़ देखो, बहुत सुंदर बनाई है मैंने, और क्रिएशन भी है, ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, ठीक है, और आर्ट मेरा शौक है, लेकिन मैं आर्ट अच्छा खासा कर लेती हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायो, नारा, बाय बाय। अब बंद कैसे करूँ, उधर जाके बंद करना पड़ेगा, बाय।